किसी का दिन इतना खराब तरीके से कैसे स्टार्ट हो सकता है। सुबह को मैं 8:30 बजे उठा। उठ के सबसे पहले मैं अपना ट्रिमर चार्ज पे लगाया, क्योंकि मेरा दाढ़ी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है और इसको बिना काटे मैं सराहा नहीं जा रहा। ऊपर से गर्मी का मौसम है। मैंने अपना कैमरा को चार्ज पे लगाया ताकि कैमरा में थोड़ा सा चार्ज हो जाए और मैं घर पर बैठे बैठे कुछ ब्लॉग्स बना पाऊँ आप लोगों के लिए। बट सुबह 9 बजे से लेके लगभग अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तब तक पावर कट है पूरा। मेरा इन्वर्टर जो ऊपर का है वो उसका बैटरी डाउन है, नीचे वाला इन्वर्टर का भी बैटरी ऑलमोस्ट डाउन है। कितना ख़राब शुरुआत है दिन का, कितना कुछ प्लान करके रखा था, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बट फॉर्चुनेटली इट्स अ ब्रीजी डे, मस्त हवा चल रहा है, बट गर्मी की वजह से वो हवा धीरे धीरे अभी लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं खिड़की के पास बैठ के विंडचिम का आवाज़ सुन के रेस्ट मार रहा था अपने हाथ का। तो इसी तरीके से दिन मेरा शुरू हुआ आज का। और ऐसे ही इंस्टाग्राम पर स्टोरीज वगैरह देखते देखते मैं एक और राइडर का स्टोरी देखा, गोप्रो मैन के नाम से पहले जाना जाते थे वो, अभी एनी अरुण के नाम से है उनका हैंडल। ही वॉज राइडिंग इन उत्तराखंड, गंगोत्री से लौट रहे थे एंड देर मतलब अपना KTM 390 एडवेंचर लेके ही वॉज राइडिंग। नॉर्मल डे था, नॉर्मल राइड था। ऊपर से शूटिंग स्टोन आके सीधा उनका लेफ्ट हैंड पे लगा और उनके लेफ्ट हैंड का भी 2 बोन फ्रैक्चर है। उनका स्टोरी अभी जस्ट देखा मैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि राइडिंग इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट। अगर राइडिंग गियर नहीं पहने होते, अगर राइडिंग ग्लव्स नहीं पहने होते तो उंगली तो टूटा ही है, उसके साथ साथ जो मसल इंजरी होता वहाँ पे वो और गंदा होता, स्टिच विच करना पड़ता शायद। तो ग्लव्स की वजह से हाथ तो बच गया बट बोन फ्रैक्चर हुआ। व्हाइल आई एम सिटिंग एट होम आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस प्लांट्स। मेरी बहन ने लगाया है ये सब क्या बोलते हैं, सकुलेंट्स बोलते हैं इनको। और यहाँ पे एक मस्त वाला कैक्टस भी उसने बनाया है, आधा ग्रीन आधा रेड। दिस इज़ माई मॉम्स गार्डन बेसिकली, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत गार्डनिंग करती है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ ये मनी प्लांट जो है ये पूरा छत पे से फैलाने के लिए प्रयास चल रहा है। देखते हैं आधा घंटा में जितना भी थोड़ा बहुत चार्ज हो उसी से मैं अपना बियर्ड का ट्रिमिंग कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत चार्ज ख़त्म ना हो जाए। जैसे फिलिप्स के ऐड पे दिखाता है ना, चार्ज ख़त्म, तो लेट्स होप फिंगर्स क्रॉस्ड। नीचे आके देख रहा हूँ कि पावर आ गया तो लाइट चल रहा है कम से कम, और ये भी फुल चार्ज हो ही गया था। लेट्स स्टार्ट ट्रिमिंग विथ माई लेफ्ट हैंड, जो कि पहले कभी किया नहीं, हुआ हमेशा राइट हैंड से ही किया हूँ। रियली इरिटेटिंग, मैं कर लेता हूँ पहले फिर उसके बाद आपसे कैमरा पे मिलता हूँ, क्योंकि ये बाल अगर मेरा हाथ में घुसा तो फिर और ज़्यादा खुच जाएगा। हाफ वे इनटू द ट्रिमिंग प्रोसेस आई लुक लाइक गिब्स फ्रॉम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। बहुत मुश्किल हो रहा है लेफ्ट हैंड से, प्रेशर तो नहीं बन पा रहा हाथ से। राइट हैंड से जितना कंफर्टेबली करता था उतना कंफर्टेबली नहीं हो पा रहा है। आई डिसाइडेड टू ट्रिम 3 नंबर पे, मतलब 3 पॉइंट पे ट्रिम करने का सोचा था, बट हाफ वे टू द ट्रिमिंग मैं देखा कि उतना अच्छा हो नहीं रहा है, तो इससे बेटर है कि अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करके पूरा क्लीन ट्रिमिंग कर दूँ। तो वही करने के प्रोसेस पर लगाऊँ, और अभी कुछ दिनों के लिए मैं लगूँगा छिला हुआ अंडा एंड कांट हेल्प इट, जो इनेविटेबल है उसको कुछ नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। कांट मेक अ मिस्टेक हियर, यहाँ पे गलती कर दिया तो फिर खत्म यार, कर लेता हूँ मैं एक सेकंड। फाइनली हो चुका है ट्रिमिंग और नहा धो के खाना वाना खा के एक बार मैं दोपहर के 3 बजे में कैमरा ऑन कर रहा हूँ। बैठे बैठे थोड़ा बहुत एडिट कर रहा था और रील्स वगैरह भी थोड़ा बहुत लेफ्ट हैंड से मैं एडिट कर ले रहा हूँ, जो कि मेरे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है, और रील्स में जितना व्यूज़ आता है ना उसका 10% व्यूज़ भी मेरे चैनल पर आ जाए तो मेरे को बहुत 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 ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। बाय द वे एक चीज़ आपको दिखाना था। सो दीज आर द 2 ऑफ रोड हेलमेट्स विच आई हैव राइट नाउ। दिस इज़ द न्यू वन, दिस इज़ द ओल्ड वन जो एक्सपल्स के साथ मैं यूज़ करता था, एंड दिस वन हैज़ द मोटर ब्लॉकिंग सेटअप रेडी, जिसमें मैं एम सील वगैरह डाल के सेटिंग किया था मोटर ब्लॉकिंग का। बट ये वाला हेलमेट में मैं सोच रहा हूँ वो एम सील वगैरह डाल के गंदा नहीं करूँगा, बिकॉज द फ्रंट पार्ट लुक्स रियली गुड। आई हैव सीन अमेजोन पे एक गोप्रो का सेटअप मिलता है, वो वाला डालूंगा, बट आई एम रियली वरीड जो स्ट्रैप नीचे से जाएगा वो उसको यहाँ से कैसे पार करूँगा। सो इफ़ एनीबडी हैज़ डन देन प्लीज़ लेट मी नो। अगर यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कट कर दूँ दो, बट अगेन इट विल मेक द हेलमेट लुक रियली अगली, और इसको मैं हार्ट ठीक होने के बाद जो पहला राइड होगा उसी में यूज़ करूँगा मैं।
बंगाली में एक कहावत है, पायर तोला शोर से, एंड आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके पैर के तले सरसों है। तो मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसे हार्ट टूटा हुआ कंडीशन में मैं घर पे बैठा हूँ, राइट हैंड नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग है। मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये मैं क्यों गिरा, क्यों टूटा, ये सब चीज़ चल रहा है मेरे दिमाग में। तो बहुत 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 कन्फ्यूजिंग है। और ऊपर से मेरी वाइफ भी यहाँ पे नहीं है, वो अपने मम्मी पापा के घर गई हुई है। तो व्हाइल आई एम सेटिंग एट होम आई वांट टू मेक माय टाइम प्रोडक्टिव। तो मेरे को अभी दो तीन चीज़ करने का ख्याल है, जो कि मेरा कैंपिंग का गियर है वो सबको साफ सुथरा करना है, सरियाना है, क्या क्या सामान है मेरे पास देखना है। आई नीड टू ऑर्डर माई कैंपिंग गैसेस, जो मेरा स्टोव का गैस है कैंपिंग का, वो सब खत्म हो गया है। और ऐसा करते करते मुझे मेरे दिमाग में मतलब थोड़ा बहुत कंटेंट भी आ रहा है कि हाँ आई शुड शेयर अ फ्यू इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से मैं कैंपिंग का लोकेशन वगैरह ढूंढता हूँ, ये सब मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स व्हिच पीपल सीक आउट ऑलवेज। हैव यू मेट माय कैट? शी इज मुन्नी। मुन्नी आई अडॉप्टेड हर, इसकी मम्मी गुजर गई थी रोड पे, तो शी स्टेज विद मी नाउ मेरे घर पे। हाय मुन्नी, हाउ आर यू? डू अ म्याऊ, म्याऊ मी, म्याऊ ले। इसका आलसीपन, बाप रे बाप, इसको रेस्ट लेते हुए देख लोगे ना मन करेगा कि ऐसी की तरह पड़े रहे दिन भर। ये देखो सो गई। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट द टाइटेनियम प्लेट सर्जरी विच आई हैड इज कि मेरा हाथ का मोबिलिटी बहुत जल्दी आ जाएगा, बट मेरे को बस यही चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आई एम नॉट लिफ्टिंग एनी हैवी ऑब्जेक्ट्स विद माई राइट हैंड एंड आई एम रेस्टिंग माई राइट हैंड मोर फ्रिक्वेंटली। दूसरा बात है कि कास्टिंग नहीं रहेगा, ऊपर से गर्मी का मौसम है, फिर गर्मी का मौसम में कास्टिंग लगा हुआ रहता तो अंदर में घमोड़ी और फिर मुझे अलग से कुछ रखना पड़ता खुजाने के लिए हाथ पे, तो ये सब हो जाएगा। एंड एज सून एज द स्टिच विल ओपन मैं दुकान जाना स्टार्ट कर दूंगा एंड आई विल कीप माई सेल्फ बिजी विथ बिजनेस वर्क, ये सब है। ऊपर से ये सब थोड़ा बहुत यूट्यूब का जैसे वीडियो शौक से बनाता हूँ, ये सब शौक से तो आते ही रहेगा आप लोगों के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि ये जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए। आई एम एबल टू मूव माई हैंड, मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट, आई एम एबल टू मूव माई हैंड, बट कभी कभी ना अंदर से एक पेन होता है, मतलब आई कैन फील दैट देर इज़ समथिंग स्टिफ इन साइड माई आर्म। तो उस पेन को अभी ओवरकम करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा।